नमस्कार, एसडीएफ न्यूज में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ आर के रोशन। आइए देखते हैं अब तक की 10 बड़ी खबरें। पुलिसिया महकमे से दूर होकर गुप्तेश्वर पांडे अब जदयू के नेता हो चुके हैं, यानी खाकी से खादी की ओर उनके पूर्व के रुझान ने आखिर नई पारी खेलने का मौका दे दिया है। बीते रविवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के हाथों से जदयू की सदस्यता पर्ची प्राप्त करने के साथ ही वे दल के नेता हो गए हैं। अब वे तीर से टिकट पर संधान कर जनसेवा के व्रत को पूरा करेंगे। अमूमन सभी पार्टियों के सामने टिकटार्थियों ने विकट स्थिति पैदा कर दी है। कांग्रेसियों ने सदाकत आश्रम जाकर अपरोर किया तो ही भाजपा प्रदेश कार्यालय पर टिकट की मांग के साथ प्रत्याशी बदलने की मांग एवं तनातनी की स्थिति देखी गई। राजद कार्यालय से भी गठबंधन के सदस्य खुश नहीं है। कांग्रेसी को मन मुताबिक क्षेत्र और सीट चाहिए तो वाम दल बमकते नजर आ रहे हैं। इधर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ने युवाओं को नौकरी का वायदा कर डोमिसाइल नीति का भी खुलासा कर दिया है, लेकिन एक महत्वपूर्ण शर्त यह है कि जनता पहले हाथों में सरकार की बागडोर तो सौंपे। कथनी और करनी के बीच का फासला बड़ा है। चुनाव की चुनौतियों के बीच अपराध नियंत्रण भी एक कठिन पाठ है। सिवान को अभी से रण क्षेत्र बनाने की तैयारी में यदि नेता लगे हैं तो शासन प्रशासन के लिए भी उनके मंसूबों को तोड़ना भी जरूरी है। बेखौफ अपराधियों ने हत्याकांड कर सुशासन को चुनौती दी है और जनता भयक्रांत है। लोजपा अध्यक्ष चिराग पासवान की राजनीतिक समझ को आम जनता नहीं समझ पा रही है। इस बीच खबर यह है कि यदि राजग का परित्याग चिराग पासवान करते हैं तो संभव है कि उनके चंद लोजपा सांसद पार्टी छोड़ दे। मंत्री अशोक चौधरी को जदयू चीफ नीतीश कुमार ने अभी कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष पद का दायित्व भी सौंपा है। उन्हें दल के नेताओं और कार्यकर्ताओं ने बधाई दी है। रालोसपा और जाप अब तीसरे मोर्चे को लेकर गंभीर हो गए हैं। उपेंद्र कुशवाहा के साथ पप्पू यादव भी इस दिशा में कदम बढ़ा सकते हैं। इस संदर्भ में फिर से नई रणनीति तैयार की जा रही है। नई कृषि नीति का विरोध जारी रहते हुए केंद्र सरकार ने इसे जनहित में माना है। सदन से सड़क तक विपक्ष का विरोधी स्वर को दरकिनार करते हुए अब नया कृषि विधेयक कानून में बदल चुका है। आज से स्कूलों के खुलते ही कैंपस में गहमागहमी बढ़ गई है। डाउट क्लास के साथ 9वीं से 12वीं तक के बच्चों की उपस्थिति को लेकर सभी स्कूल प्रबंधन को चौकस देखा गया। इधर अभिभावक भी स्थिति पर नजर रखे हुए हैं। खबरों के इस सफर में बस इतना ही। ताजा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एसडीएफ न्यूज।